डेढ़ घंटे की मेट्रो के स्ट्रगल के बाद मैं पहुंच गई हूँ। हाय गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय बैग पैक। आज है 30 जनवरी, सुबह के हो रहे हैं 8 बज रहे हैं। मैं सो के 7:30 बजे उठ गई, रात हम 4:30 5 बजे सोए। Wow, yaar, this is so good. Guys, मतलब इसमें जब मेरे सारे फेवरेट लोग हो गए, मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही, मतलब फुर्सत से पढ़ूंगी यार। इतने सारे मेरे लिए ना प्रीशियस यही होती है चीजें। मैं पैसा वैसा मतलब कुछ ज्यादा पैसा नहीं, जो प्रीशियस हमें वो था। और जो हमने ये कब लाए तो, और जो बुक लिया हमने वो भी ये कब लाए हो तुम यार। यार बहुत सुंदर है यार, और काट ले जल्दी, मोमबत्ती पिघल गई। जल्दी कर, विश कर। अभी करती नहीं, अभी इतनी सारी मंदिर में लगा देती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अवंतिका। रॉजर स्कंक, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। एंड ये YouTube वालों के लिए और तुम दोनों। अच्छा मैं तो डर गई, मैंने कहा मेरे मुझे इग्नोर करके शुभांगी खिला दिया, इनका जहर दे दे मुझे शुभांगी। शुभी थोड़ा साइड हो जा, शुभी इससे ज्यादा मत खाली बता रही हूँ। वैसे तो मैं यार, वैसे तो मेरे को अपनी फीलिंग्स को लिखना आता नहीं है, बट इट्स योर बर्थडे। यार हॉस्टल में तो तेरे बिन क्या ही क्या दिखाना है फ्रेंड्स को, तो पढ़ फ्रेंड्स को ये भी दिखा, कंटेंट है ये मेरी नजर में। गाइस ये इमोशनल होती है आंटी का यार। गाइस कैसे क्या करें इसका। द नेक्स्ट डे, अभी हमें जाना है दिल्ली, सबको सारे दोस्त हम दिल्ली जा रहे हैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो अभी बस हम नहाएंगे वगैरह वगैरह, सुबह चलती चलती अभी हमें निकलना है, 9:30 बजे हमें बस स्टॉप पे पहुंचना है सारों को। और इस टाइम से 8 तो बज गए हैं, अब चलती जल्दी सब कुछ करना है। तो चलो मैं आपको अब रेडी होने के बाद ही मिलूँ। हाँ तभी मिलूँगी। हो गई हूँ रेडी, जल्दी से जा रहे हैं अब हम लोग। आप पता नहीं क्या ही होगा आज, बहुत सारी विशेज आई है उसके लिए, थैंक यू सो मच। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने विश, बहुत बहुत सारे लोगों ने। और ये रहे दो नमूने, एक ये और एक ये। और गाइस हम देखो जूतों में क्या पहन रखा, पॉलिथीन, बिकॉज बहुत ज्यादा बारिश का बहुत गंदा माहौल है। पता नहीं मेरे लक में ही ऐसा था क्या, हमारे ये दिन देखने पड़ गए। सीट ना मिलने की कमी के कारण मैं आरसू की गोद में बैठी हूँ, मजा आ रहा है, आराम मिल रहा है। अरे मेरे को मोशन सिकनेस हो रही थी इसलिए मैं आगे आ गई। सही है, मैं अब आगे से देख के चलूंगी ना, देखते रहूंगी मैं सब बाहर। गाइस हमारी बायोलॉजी तो कहीं नहीं रुकती, तो हम पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पे इन बर्ड्स को देख रहे हैं जिन्हें देखने हस्तिनापुर तक गए थे। देख रहे हैं आप फ्यूचर के ढेर में, समझ रहे हो हम कितने हर जगह साइंस ढूंढते हैं, पढ़ने वाले बच्चे तो ऐसे होते हैं गाइस। फाइनली रीच दिल्ली, यहाँ तो आते ही वाइब ही अलग आती है। मेट्रो स्टेशन पे पहुँच गए हैं और मेट्रो में बैठे मैं सोच रही थी चलो आज तो सुंदर दिख रही हूँ। फाइनली डेढ़ घंटे की मेट्रो के स्ट्रगल के बाद मैं पहुंच गई हूँ पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन। अब हमें पंजाबी बाग क्लो करके एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे जा रही हूँ, बट इतना ज़्यादा लेट हो गई, 2:30 बज चुके ऑलरेडी यार। और वापस मेरे को मेरठ भी जाना है, मेरे को इतनी नर्वसनेस हो रही है कि भाई क्या ही होगा, टाइम से भी तो निकलना है ना। बस इतना दूर पड़ जाता आनंद विहार से पंजाबी बाग, बट कोई नहीं, चलो आपको अब आगे दिखता ही रहेगा, रेस्टोरेंट चलता है सीधा। गाइस मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गई हूँ। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ रेस्टोरेंट, ये रहा क्लू।
एंड रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद पहले हमने टेरेस पे बुक की थी अपनी टेबल, बट वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो हमें रेस्टोरेंट के अंदर जाना पड़ा। तो बस ये था नीचे रेस्टोरेंट, इसका टेरेस सच में बहुत ब्यूटीफुल था, अभी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। बस अंदर से काफ़ी अच्छा सा वाइब आ रही थी, एकदम गाने वाने चल रहे थे, तो मेरे दोस्त थे यहाँ पे ऑलरेडी, मेरी एक दोस्त आके बैठी थी वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। हम थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गए थे तो हम यहाँ सारे लोग जाके बैठ गए। अब बैठने के बाद सबसे पहले क्या होता है यार, कुछ नहीं, सिर्फ खाने की तरफ सोच रहे थे हम। खाने में सबसे पहले पिज़्ज़ा आया, मैक्सिकन पिज़्ज़ा एंड फार्म हाउस पिज़्ज़ा मंगाया था, चिली पटेटो मंगाए थे दो दो प्लेट क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे इस रेस्टोरेंट के। नूडल्स हमेशा मिस नहीं हो सकते, नूडल्स हमेशा चाहिए होते हैं हम लोगों को खाने के लिए, तो बस नूडल्स का चिली पटेटो सच में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे, मतलब मज़ा आ गया था। यहाँ के चिली पटेटो का थोड़ा सा एक्सपेंसिव था बट एंड ड्रिंक्स की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। वर्जिन मोहितो, वाटरमेलन मोहितो था, ऑरेंज मोहितो था, ये मैं ऑरेंज मोहितो पी रही हूँ। सच में इसकी प्रेजेंटेशन देखो आप कितनी ज़्यादा क्लासी है, क्लू करके रेस्टोरेंट है ये। आपको इसकी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी इनके इंस्टाग्राम का। और ये थे मेरे सारे दोस्त, हम सब बैठे थे यहाँ पे, ये इतने लोग थे मेरी बर्थडे पार्टी में, तो मज़ा आ गया। व्हाइट सॉस पास्ता खाने में मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था बट नो डाउट खाना बहुत अच्छा था यहाँ का, थोड़ा सा कॉस्टली था कंपैरिजन में और रेस्टोरेंट के, बट वर्थ इट था क्योंकि रेस्टोरेंट भी काफ़ी ज़्यादा क्लासी था। अब हमें केक कटिंग के लिए हमें जाना था टेरेस पे क्योंकि बारिश हो गई थी बंद, एंड इनका टेरेस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी ज़्यादा क्लासी है, तो केक कटिंग के लिए हम ऊपर ही गए। उस वहाँ से मैं लाइव भी आई थी और लाइव वीडियो का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सब लोग जाके देख लेना। बर्थडे वाले दिन मैंने लाइव केक कटिंग की थी, तो बस ऊपर जाके आ गया मज़ा सा, हम सारे गए वहाँ पे फोटोज़ वगैरह क्लिक कराई केक कटिंग की, एंड आप खुद देखो। हाय गाइस, आज मेरा बर्थडे 30th January, तो मैंने सोचा आप इतने सारे लोगों का प्यार मुझे इतना ज़्यादा मिल रहा है तो आप लोगों के साथ केक कटिंग करना तो बनता है, आपके बिना थोड़ी केक कटिंग होगी यार। गाइस रेडी, ये केक आप सबके लिए, मैं खा लूं? हाँ बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे टू मी। ब्लॉग भी आएगा, मिनी ब्लॉग भी आएगा गाइस। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच। सेलिब्रेशन के बाद आ गई हूँ वापस से मेट्रो स्टेशन मेरठ जाने के लिए, पंजाबी बाग वापस आ गई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट सेक्शन में बताना आपको रेस्टोरेंट कैसा लगा था, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट व्हाटएवर कर देना जो भी करना है। और कैसा लगा मेरा बर्थडे व्लॉग एंड लाइव वीडियोज आगे देखो, मैंने अपना बर्थडे केक कटिंग आप लोगों के साथ किया था एज आई प्रॉमिस्ड। ओके बाय, टेक केयर।